हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ईएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूँ, ये पार्ट नंबर 20 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 19 तक नहीं देखे है ना, तो यहाँ पर जो आई बटन में हमने लिंक दिया था, सारे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारे वीडियो को जाको आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तभी जाके जो कंसेप्ट है ना क्लियर होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जो इसमें जैसे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ के एक क्वेश्चन है, हम इसको सिखाएंगे तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट देते हैं, तब इस क्वेश्चन को कराते हैं। ऐसा बहुत सारा प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, जो उसको कंसेप्ट और सॉल्यूशन साथ ही साथ मैं देते चलता हूं, क्योंकि टाइम नहीं है उतना कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अलग से वीडियो चैप्टर वाइज बनाते चले, ठीक है दोस्त। कंसेप्ट और सॉल्यूशन दोनों एक ही साथ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, संख्या 76897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी जो स्थान पे है वहीं उसका स्थानीय मान। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, जैसे 76 है, कितना लिखा है, 76897 लिखा है, बातें को समझिए। 76800 कितना लिखा है मेरे दोस्त, 97 लिखा है। इसमें हमें बताना है 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान का मतलब 8 कहाँ पर है दोस्त, यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है तो हम 8 लिख लेंगे, ठीक है, 8 का स्थानीय मान 8 लिख लेंगे। अच्छा, 8 के बाद कितना अंक है, 1 2, 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, यही 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आप लोगों से पूछता 9 का स्थानीय मान तो क्या होगा, तो 9 लिखते, 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देते, 90 हो जाएगा, बातें को समझ रहे। अगर हम लोगों से पूछता 6 का स्थानीय मान तो 6 लिखते, 6 के बाद 1 2 3, 6 के बाद 3 स्थान है, 3 को अंक है तो 6 के बाद 3 को जीरो लगा दे तो यही हो जाता 6 का स्थानीय मान। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें 8 का पूछा है, 8 का पूछा है तो 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने हल कीजिए, इनकी नीचे इन बाटा है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, 3.68 × 2.50 × 2.12 × 0.02 × 0.09 × 0.05 है आपके सामने, देखेंगे 2019 आरआरबी जी में पूछा गया। मेरे दोस्त मेरे भाई, इनको करेंगे क्या हम, देखो सबसे पहले देखेंगे दशमलव काउंट करेंगे, ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, कुल मिलाकर मेरे बात ऊपर में 5 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में देखेंगे 2 अंक 2 अंक 4 और 1 5, नीचे भी 5 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 5 से ही 5 कट जाएगा, इसका मतलब दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये सिंपल कितना बचेगा, सिंपल बचेगा 36 × 48 × 250, बातें को समझिएगा भाई, 250। नीचे में कितना बचेगा मेरे दोस्त, नीचे में बचेगा 12 × 9 और × 5, क्योंकि दशमलव ऊपर भी 5 अंक के बाद है, नीचे भी 5 अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब हम काटेंगे, ये 9 से ये 36 कटेगा 4 बार में, ये 12 से ये 48 कटेगा 4 बार में, समझ रहे, ये 5 से ये 225 कटेगा 50 बार में। अब हम गुना कर देंगे, 4 × 4 × कितना 50, 4 × 16 = 80, 16 × 5 = 80, 10 साथ ही साथ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब 800 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन पेपर में कहीं आएगा ना, आप उसे सॉल्व भी कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहे हैं, 5 2 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्से में 7740 रुपये का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। आरआरबी एनटीपीसी 2021
शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। देखो ध्यान से आपके सामने है। क्या है, ए बी सी के बीच रेशियो दिया गया है और ए और सी के हिस्सा में जो अंतर है वो रुपया दिया गया है। हम नहीं निकाल सकते, बहुत बढ़िया तरीका से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे, यानी कि ए बी सी के बीच यहाँ पर रेशियो कितना दिया गया है, ए का 5 है, लिख ही देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, इनके बीच में राशि कितना दिया गया है, 5:2/8 के रूप में दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला है ए और सी के बीच अंतर इतना रुपया है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त हम अनुपात में देखेंगे ए और सी के बीच कितना अंतर है, ए का अनुपात में 5 है, सी का अनुपात में 8 है। यानी कितना अंतर है, 5 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 3। अच्छा मेरे दोस्त हम आपको एक बात बताता हूँ, अंतर का मतलब हमेशा बार का माइनस छोट का होता है, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, बात को समझिए, 3 आएगा। तो इस 3 का वैल्यू कितना दिया है, इस 3 का वैल्यू दिया है 7740 रुपया। कितना, 7740 रुपया। हम लोगों से क्या पूछा गया है जानते हैं, हम लोगों से पूछा गया है तो कुल राशि कितनी है मेरे दोस्त, अनुपात में कुल राशि कितनी है, 5 और 2 7 और 8 15, यानी अनुपात में कुल राशि है 15। तो हमें 15 का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7740 दिया है ना, इनको हम भाग करेंगे 3 से। 7740 को 3 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। आप 15 से गुना कर देंगे तो 15 का वैल्यू आ जाएगा। तो 7700 जो 3 दिया है इनको भाग करेंगे 3 से और हम 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। 3 से भाग देंगे 7740 को तो कितना बार में कटेगा देखेंगे, ये 3 से इसको भागा देंगे तो 3 × 2 = 6, 1 चला जाएगा तो 17, 3 × 5 = 15, ठीक है। यहाँ से 2 जाएगा 3 × 8 = 24, यानी 2580 होगा दोस्त, ठीक है। 2580 बार में कटेगा, जब हम 7740 को 3 से भागा देंगे तो 2580 बार में कटेगा। अब 2580 गुना 15 करेंगे कितना होगा, 2580 गुना हम जब 15 करेंगे तो कितना होगा, बातें को समझिए, 10 तो संगे संगे रहे करेगा, 10 रहेगा संगे संगे, 15 × 8 = 120 के जीरो हासिल कितना, 12, 15 × 75 में 12 को जोड़ेंगे तो 87 के साथ हासिल कितना, 8, 15 × 2 = 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38। इस क्वेश्चन का सही जवाब 38700 होगा दोस्त। किस ऑप्शन में दिया है, 38700 ऑप्शन सी में दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं मेरे दोस्त, यहाँ आपके काटने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा हम जानते हैं। हमने आपको क्या बताया, देखो यानी एबीसी के बीच यहाँ पर अनुपात इतना दिया है और दोस्त ए और सी के बीच राशि में अंतर इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, हमने आपको क्या बताया, यहाँ से देखेंगे ए और सी के बीच में अंतर कितना का है, 3 का है। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 7740 रुपया, बातें को समझ रहे हैं, 7740 रुपया। हम लोगों से टोटल पूछा गया, टोटल का मतलब पूरा अनुपात को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 × 2 = 7 और 8 = 15 का वैल्यू पूछा गया। हम नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 7740 को हम 3 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 × 2 = 6, इधर से इस 7 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इधर से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, यानी 2580 रुपया 1 अनुपात का वैल्यू है। इन सभी को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15, हमें 15 का निकालना है तो 15 से गुना कर देंगे, बातें खत्म मेरे दोस्त। जब हम इनको गुना करेंगे तो 38700 आएगा। ये बात को आप विशेष रूप से ध्यान से समझिए और मेरे दोस्त आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कहियो आपके एग्जाम में आएगा ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने थंबनेल के रूप में लगाया। देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जब भी फ्रैक्शन का आपसे एचसीएफ या फिर एलसीएम पूछा जाए, बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। क्या करना, इस क्वेश्चन में बताना है कि 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का लसअप है, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हम बताते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम जब भी फ्रैक्शन का निकालना होगा ना, तो जो भी अंश के रूप में दिया जाता है, जैसे 2/5 लिखा है ना, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है दोस्त। यानी कि ऊपर वाला का क्या करेंगे, जो अंश के रूप में जितना भी नंबर लिखा होगा ना, उन सभी का लेंगे, जो चीज निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अंश का लेंगे हम एलसीएम, अच्छा हर का क्या लेंगे, जो बचा वही ले लेंगे, हर का निकालेंगे एचसीएम, बातें को समझ रहे कि नहीं।
हमने आपको एक बात बताया, आपको एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर में जो अंश के रूप में है उसका एलसीएम ले लेंगे और जो नीचे में है उसका एचसीएफ ले लेंगे। अगर यहीं पर मेरे दोस्त आपको कहीं एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का लेंगे हम एचसीएफ और हर का लेंगे हम एलसीएम। ये बात को ध्यान रखिएगा, हम फार्मूला आपको बता दिए हैं लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, ठीक है दोस्त, बटा ऊपर वाले का एलसीएम यानी दो चार, दो चार सात और तीन का एलसीएम क्या होगा भाई मेरे दोस्त, ये चारों का चारों अपने आप में छोटा नंबर है, इनका एलसीएम बहुत आसान तरीका से निकाला जा सकता है। कैसे, आप सिंपल भाषा सिंपल तरीका से भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले इसको हम दो से लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, ये दो बार में जाएगा, ये सात के साथ, ये तीन के तीन, ठीक है। अब यहाँ पर सभी प्राइम नंबर में हो गया तो इन सभी को गुना करेंगे, दो दुनी चार, चार गुना तीन कितना हो जाएगा बारह, बारह सत्य चौरासी, यानी इनका एलसीएम कितना होगा दो चार सात तीन का एलसीएम जो होगा मेरे दोस्त, यानी एचसीएफ एलसीएम कितना होगा चौरासी होगा। हमने आपको क्या कहा, दो चार यानी दो चार, देखो ध्यान से क्या लिखा है, दो लिखा है, चार लिखा है, चार के बाद में क्या लिखा है, दो चार सात और तीन, इनका एलसीएम कितना आया है भाई, एलसीएम आया है चौरासी, तो हमने चौरासी को लिख लिया ऊपर। नीचे में क्या है, तीन नौ बारह पाँच, इनका एचसीएफ निकालना है, तीन नौ बारह पाँच इनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है जो तीन से जो सब कटे, ऐसा कोई नंबर जिससे चारों संख्या कटे मेरे दोस्त, तीन से ही तीन तीन कट जाएगा, तीन से नौ भी कट जाएगा, तीन से बारह कटेगा लेकिन तीन से पाँच नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका एच सी एफ तीन हो नहीं सकता, एच सी एफ दो भी नहीं, इसका एच सी एफ एक होगा क्योंकि एक से तीन भी कटेगा, नौ भी कटेगा, बारह भी कटेगा, पाँच भी कटेगा, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा एक, ठीक है दोस्त। तो चौरासी बटा एक कुल मिला के बात ये रहा कि चौरासी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोगों का बहुत सारे दोस्त का आंसर आया होगा। चलो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एज से रिलेटेड एकर है, जय और योग की आयु का अनुपात 5:2 है और इनकी आयु का योग कितना है 63 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई। यहां पर आप लोग ध्यान से सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को क्या बोला है, जय और जोग, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2, इनका आयु का अनुपात कितना है 5:2 है, कब, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बताना है, प्रेजेंट का मतलब जीरो, जीरो का मतलब ना तो ये कुछ वर्ष पहले ना ही कुछ वर्ष बाद, चाहे ऐसे भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी जे से हो गया जाया, अच्छा जे ओ से हो गया जोग, ठीक है दोस्त। जाया और जोग के बीच आयु का जो अनुपात है ये 5:2 में दिया है। क्वेश्चन में बोला है इनकी आयु का योग कितना है 63 वर्ष है, अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो 5:2 कितना हो जाएगा भाई, 5:2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इस 7 का वैल्यू कितना दिया है 63 दिया है, 63 ईयर्स दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते कितना, 73 को जब हम 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 ईयर्स आ जाएगा। बात को समझे हैं कि नहीं। क्वेश्चन ने बोला है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 9 वर्ष के बाद बोला है, सबसे पहले प्रेजेंट में आप निकालेंगे, एक का वैल्यू 9 है तो यानी कि प्रेजेंट में कितना है, जे जो जय है इनका 5 है और जो है इनका 2 है अनुपात में, तो हम प्रेजेंट में निकालेंगे, 9 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×5=45 वर्ष के होंगे, अच्छा 9×2=18 वर्ष के होंगे जोग, कब, प्रेजेंट में, लेकिन हमें बताना है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद इन दोनों में 9 जुटेगा तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो 54:27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको जब हम अनुपात में काटेंगे तो 27 से कम 27 दूनी 54, एक दो अनुपात एक इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एरर भी एनटीपीसी 2021 का भी क्वेश्चन है। क्या है, दूरी है कितना, 150 मीटर का रेलगाड़ी है और 102 मीटर का नहर है, 7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो इनके लिए जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे,
ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई और 102 मीटर नहर की लंबाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा भाई, एक और एक दो, एक और एक दो, 100 100 200 200 हो जाएगा कितना, 52, 252 हो जाएगा इसका मीटर डिस्टेंस। हमें स्पीड बताना है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना है, 252 है, ठीक है दोस्त, दूरी कितना है, 252 है, बात को समझिए, दूरी कितना है, 252 है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर टाइम कितना लगा है, 7 सेकेंड लगा है, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इनको जब हम 7 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 3 21, यहाँ से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42, 7 6 42, यानी 36 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड रहा है इस ट्रेन का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। जब रेल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपस में जुड़ जाता है, क्योंकि ट्रेन अपनी दूरी भी पार करती है और नहर की भी दूरी पार करती है, दोनों मिलाकर 252 मीटर दूरी उसको पार करना है। और समय तो देवे किया, तो आप चाल आप आराम से निकाल सकते हैं। बस इसमें एक ही बात का ध्यान दिया जाता है मेरे दोस्त, जहाँ पर डिस्टेंस है ना, दोनों का काउंट किया जाता है, दोनों को संगे संगे जोड़ के, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, खुद नहर की भी पार करेगी, ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस को हमने जोड़ दिया और टाइम जो भी दिया है उससे भागा दिया, तो कितना 36 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जा, चलिए चलेंगे मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे कर, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। मेरे दोस्त देखेंगे, जैसे हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर हम सभी को जानते हैं 90 डिग्री कोण बनता है, तो विकर्ण की लंबाई बताना है, विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है। देखो ध्यान से, फिर से देखो, हम आपको बता रहे हैं एक वर्ग है, एक वर्ग ऐसा होता है, आप सभी कोई बहुत अच्छे तरीके से बहुत बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्या है, विकर्ण है, यही दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण की लंबाई उसकी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा मेरे दोस्त, अगर हम इस साइड को ए मान लेते हैं, इस साइड को ए मान लेते हैं, यानी सभी साइड अगर ए है तो इनका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण की जो लंबाई होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो विकर्ण की लंबाई होगा रूट क्या होगा मेरे दोस्त, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनस होता है क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का सम होता है, यानी अगर हमें विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो ए स्क्वायर भुजा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं। और सॉरी, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, सबको ही जानता है, तो d² यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से d जब रहेंगे कॉमन d है रखेंगे केवल d को, तो स्क्वायर इधर जाके रूट चलेगा, तो मेरे दोस्त यहाँ से ए स्क्वायर है तो रूट दो भीतर रहेगा, ए दो बार है तो ए एक बार बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है रूट 2a होता है, कितना, रूट 2a होता है, यही फार्मूला हो गया मेरे दोस्त। इस फार्मूला को आप कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस फार्मूला पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर जो वर्ग दिया गया, इनकी विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर यानी डायगोनल, तो डायगोनल का फार्मूला कितना होता है, हम सभी को जानते हैं, जो डायगोनल का फार्मूला होता है वो होता है रूट 2a। अभी हमने आपको प्रूफ किया है रूट 2a, ए का मतलब भुजा, डायगोनल कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, रूट 2a, बातें को समझेंगे। अब यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा भाई, ए का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा, जब हम 20 को ए से भाग करेंगे, 20 को ए से भाग कर 20 को रूट टू से भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 को रूट टू से यानी 20 बटा रूट टू, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम लिख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बराबर 20 बटा रूट टू होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैथ का नियम है कि बाटा के हर के रूप में रूट के अंदर कोई संख्या नहीं रह सकता, इसीलिए इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण रूट टू से ऊपर भी गुना, रूट टू से नीचे भी गुना करेंगे, बातें को समझ रहे हैं। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20 रूट टू हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, रूट टू से रूट टू में गुना करेंगे तो केवल 2 बचेगा, यानी 20 रूट 2 बटा 2। अब हम इस 2 से इस 20 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी इसकी साइड आ गया
कितना 10√2 आ गया, बात समझ रहे हैं, यानी 10√2 सेंटीमीटर। इनकी जो भुजा की लंबाई है वो आ गया 10√2 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इनका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है 4a, यानी 4 × a। अब देखेंगे एक का वैल्यू 10√2 है, तो 4 से गुना करें कितना हो जाएगा 40√2। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या, सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त होंगे ना वो ऑप्शन बी को टिक कर दिए होंगे, क्यों, क्योंकि 40√2 मीटर दिया है, हमें चाहिए सेंटीमीटर में मेरे दोस्त, क्योंकि सेंटीमीटर में 20 दिया है डायगोनल, तो सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बहुत सारा दोस्त ऑप्शन बी को टिक कर दिए होंगे। दोस्त यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, ये मीटर में दिया है, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। बात को समझे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताना है। अरविंद जी का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सभी को जानते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA, यानी CSA का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का, वो 6a² होता है, सभी कोई जानते हैं, यानी 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो यही दिया है, 6 × भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 3750 दिया है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, 3750 को जब हम 6 से काटेंगे तो 6 × 6 = 36, 1 जाएगा तो 15, 6 × 2 = 12, 3 × 0 = 5, 3 × 0 = 36, यानी 6 से जब हम काटेंगे तो 625 बार में जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर 625 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, इधर जाके इस पे ये रूट चढ़ जाएगा, तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25, यानी कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त, 25 सेंटीमीटर ए का वैल्यू आया। बात को समझे, 6a² बराबर कितना है, 3750, 6 से काटेंगे तो 625 बार में आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 625 है, तो ए का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा। अभी हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम, इसका जो आयतन होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, भुजा का क्यूब्स, यानी घन होता है। बात खत्म, भुजा कितना है 25, तो 25 × 25 × 25 कर देंगे, 25 × 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 625 को फिर से 25 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 × 5, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 25 × 5 125 के 5 हासिल कितना, 2, ठीक है, 25 × 5 125 के 5 हासिल कितना, 12, 25 × 50 और 12, 62 हासिल कितना, 6, 25 × 6 150 और 6 कितना हो जाएगा, 25 × 6 150 और हासिल कितना, 6 कितना हो जाएगा, 156। तो 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कुल मिलाकर 15625 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। 625 × 25 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 173 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। RRB ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है, 100, जो क्वेश्चन दिया है पहले क्या दिया है, 171 × 172 × 173 को जब हम 17 से भाग देंगे, हमें शेषफल बताना है क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब 171 को 17 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, जब हम 172 को 17 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, जब हम 173 को 17 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ऊपर में कितना है भाई, ऊपर में है 1 × 2 × 3, कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 × 2 = 6 हो जाएगा, नीचे में 17, और 6 17 से छोटा है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किए हैं, रिमाइंडर थ्योरम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। 17 से भाग देंगे तो 170 खत्म, 1 बचेगा, 170 खत्म, 2 बचेगा, 170 खत्म, 3 बचेगा, इनको गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर यानी इसका शेषफल आएगा 6। हमें पूरा गुना करके शेषफल नहीं बताना होता है मेरे दोस्त, जब भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कर रहे हैं, यदि किसी संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो
8 से विभाजित होने का एक नियम समझिए। किसी भी जैसे 2, 4, 5, 6, 7 ये कोई नंबर है, इनके लास्ट के 3 गो अंक अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो यह संख्या भी 8 से कटेगा। अगर लास्ट के 3 गो अंक 8 से नहीं कटता है तो यह संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। 8 का विभाजिता का नियम आप लोग समझ गए कि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाता है, इसका मतलब 8 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन क्या बोला है कि यह जो संख्या दिया गया 8 से विभाज्य यानी 8 से पूरा पूरा कटेगा, तो इसका मतलब y के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 4y6, लास्ट के 3 अंक है, इसको 8 से हम भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4y6 है, ये 8 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है विभाज्य है, तो ये बताइए वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, वाई के स्थान पर क्या रखेंगे। वाई के स्थान पर सबसे न्यूनतम संख्या होती है 0, ठीक है। अगर 0 रखेंगे तो 40 होगा, तो कितना हो जाएगा 406 हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 × 5 = 40, 6 × 6 बच जाएगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर y के स्थान पर हम 1 लेते हैं, y के स्थान पर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 × 6 = 8, 8 से भागा देंगे तो कितना बार बच जाएगा, 8 × 5 = 40, 1 आएगा तो 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। यानी वाई के स्थान पर 1 रखने पर बिल्कुल कट जा रहा है, हमें सबसे न्यूनतम संख्या भी चाहिए, तो सबसे न्यूनतम 1 है, 1 रखने पर कट भी जा रहा है पूरा पूरा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।